दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड की चक्रिया है और यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड की तरफ से आने वाला यहाँ पर रेलवे सिग्नल लाइट्स वाला ये पटाखा है। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर चक्री है और यहाँ पर रेलवे सिग्नल वाला पटाखा है, तो इसको कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर हम चिपका देंगे और देखेंगे इसको जला के। पहले अनार को जलाएंगे, उसके बाद ये अनार जैसा ही है तो ये लाइट को जलाएंगे, उसके बाद चक्री को जलाएंगे, देखेंगे हमको ये कैसा घूमने को मिलता है, दिखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास एक ही डायमंड बचा हुआ है, तो हमने क्या किया था, इस डायमंड को भी हमने चक्री के ऊपर लगा दिया है, तो डायमंड को भी जलाएंगे और चक्री को भी जलाएंगे, देखेंगे हमको ये कैसा दिखता है। तो ऐसे हमने यहाँ पर टोटल तीन बना के रखे, आप देख सकते हैं, एक दो और तीन। तो क्या करेंगे, एक हम दिन में जलाएंगे, बाकी दो को हम रात में जलाएंगे, और ये अनार वाला है, ये जो डायमंड वाला है, इसको भी हम रात में जलाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम आपको एक चक्री जला के दिखाएंगे और एक रेलवे लाइट वाला सिग्नल है वो जला के दिखाएंगे, ये कैसा जलता है वो भी आप एक बार देख लेना, और रात में भी मैं एक पीस ऐसा जला के दिखाऊंगा, उसके बाद हम चक्री के ऊपर लगाया हुआ है उसको जला के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों को जलाते हैं अलग अलग से, उसके बाद हम पूरे एक को जलाते हैं और बाकी जो ये दो है उसको रात में, और डायमंड वाला है इसको भी हम रात में, और एक पीस को हम रात को भी जला के दिखाएंगे, हमको देखेंगे कि ये रात में भी कैसा जलता है। चलो दोस्त, सबसे पहले हम चक्री को जलाएंगे, उसके बाद इसको जला के दिखाते हैं। हमारी चक्री तो काफी बढ़िया चली, अब ये रेलवे सिग्नल लाइट को इसको चला के देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि रात में भी ये कैसा चलता है। चलिए अभी दिन में चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, हमारा ये रेलवे लाइट सिग्नल है कितना अच्छा जला, जैसे कि यहाँ पर अच्छी फ्लेम निकली, ग्रीन कलर की भी फ्लेम निकली और रेड कलर की भी निकली, कुछ इतना बड़ा था और कुछ इतना छोटा हो गया। तो चलिए हम एक अनार है ये, इसको चक्री के ऊपर हमने फिक्स किया और तो दोनों को जला के देखते हैं वो कैसा चलता है। तो चलिए हम इस चक्री के साथ अनार है तो इसको जला के देखते हैं कैसा चलता है। तो हमारी चक्री देख सकते हो किस प्रकार की घूम रही थी और यहाँ पर रेड फ्लेम भी निकली है। काफी बढ़िया जली। तो एक बार हम तीनों को एक साथ जला के देखते हैं हमारी ये कैसी जलती है। रेड पहले तो ग्रीन कलर निकला है, अब यहाँ पर रेड कलर ना निकलना शुरू हो गया है और काफी अच्छा लग रहा है। तो काफी बढ़िया निकला, तो आप देख सकते हो काफी अच्छा था हमारा यहाँ पर रेड सिग्नल, जो रेलवे सिग्नल था वो, और हमारा डॉगी भी यहाँ पे घूम रहा है। चलिए तो बाकी का जो हमारे पास ये है तो इनको हम रात में जला के दिखाते हैं। हमने यहाँ पर रेडी किया हुआ है जो रेलवे लाइट सिग्नल वाला ये अनार है और उसके ऊपर चक्री लगी है। चलिए इस दोनों को जला के देखते हैं एक साथ कि कैसा होता है। काफी तेज हवा है यहाँ पर। यहाँ पर चक्री नहीं जली थी, कोई बात नहीं, बाद में जला दी है, फिर भी काफी अच्छा जल रहा है। ऊपर लाल फ्रेम दिख रही है हमारी,
कोई बात नहीं, हमारे पास और एक रेडी किया हुआ है तो इसको भी जलाएंगे। उसके पहले हम डायमंड के साथ जो चक्री है उसको जला के देखते हैं। तो ये रहा हमारे चक्री के ऊपर है डायमंड, तो पहले डायमंड को जलाएंगे। तो डायमंड और चक्री दोनों जल गई है। तो देख सकते हो चक्री के ऊपर ग्रीन कलर की फ्लेम भी अच्छी तरह से दिख रही है और जल रही है, और यहाँ पर हमारा डायमंड भी आके गिर गया है। चक्री काफी अच्छी घूम रही है हमारी। तो दोस्तों हमारी जो पहले जलाया था उसके अंदर हमने चक्री थोड़ी लेट जला दी थी, तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले चक्री को ही जलाएंगे, उसके बाद हम जलाएंगे ऊपर वाली जो अनार है उसको जलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चक्री को जला के देखते हैं। तो दोनों एक साथ जली है और हमारा ऊपर का सिग्नल लाइट है वो जला ही नहीं, बुझ गया है बीच में से ही। हमारी अनार जली नहीं है अच्छे से। दोस्तों हमारी अनार है जो आधे में से ही रुक गई है और अभी ऊपर भी जल रहा है, तो मैं इसको नजदीक नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जल जाएगा, कभी भी ये जल सकता है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखें।